नमस्कार दोस्तों दोस्तों हम बात करेंगे कुंभ राशि 2017 मई माह का राशिफल। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और साथ में वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें ताकि आपको हमारी हर अपडेट्स मिलती रहे और आप उससे लाभ ले सकें। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कुंभ राशि की। कुंभ राशि इस बार जो है कारोबार के बारे में हम बात करेंगे, व्यापार और बिजनेस की सबसे पहले बात करेंगे। तो ग्रह आपके पक्ष के बने हुए हैं और आपके व्यापार में गतिशीलता आने वाली है। जो व्यापार काफी समय से आपको लग रहा था कि रुका हुआ है या उसमें प्रगति नहीं हो रही, यानी कि उसमें कंटिन्यूटी स्पीड नहीं पकड़ रहा, वो आपका इस बार जो है इस माह के 11 मई के बाद बहुत अच्छे योग है उसके अच्छे चलने के या स्पीड पकड़ने के। आपको 11 मई से लेकर 21 मई के अंदर विशेष लाभ के योग बन रहे हैं, विशेष धन के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, यानी कि शुभ रहेगा। आपको जो है संचार माध्यमों से जो भी आप कार्य करते हैं उसमें तो आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं, नया बिजनेस का फैलाव हो सकता है। और इसके अंदर आपको विशेषकर किसी महिला वर्ग से, महिलाओं से अवश्य आपको लाभ होगा, इसलिए आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें और जो भी कार्य करें आप किसी की सलाह लेकर करें। व्यापार के नए मोड आने वाले हैं तो आपको नया लाभ भी मिलेगा, इसलिए मित्रों इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि उस समय आप अपने वाणी पर और क्रोध पर अवश्य नियंत्रण रखें, परंतु मन में थोड़ा सा कारोबार को लेकर भय अवश्य रहेगा। आपको कभी लगेगा कि ये कार्य हमें करना चाहिए, निर्णय लेने में आपकी थोड़ी सी जो है परेशानी रहेगी। आप हमेशा डबल माइंड रह सकते हैं, कभी कभार आपको लगेगा कि ये बिजनेस हमें करना चाहिए, कभी कभार लगेगा कि नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हमने कहा कि इसको आप सलाह लेकर अवश्य करें। कई बार हम स्वयं निर्णय नहीं ले सकते, लेकिन निर्णय हमें लेना होता है, इसलिए हम एक या दो अच्छे हमारे मित्रों की सलाह लेकर जो कार्य करते हैं उसमें हमारे अवश्य लाभ होता है। भूमि विवाद से इस बार आप बचें। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या आपका पुराना कोई भूमि से संबंधित विवाद चला आ रहा है तो आप उससे अवश्य बच करके चलें। अगर आपने कोई नई भूमि खरीदनी है तो आप अभी मत खरीदें, उसको खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क करके अपनी कुंडली दिखा करके अवश्य जानकारी प्राप्त कर लें कि आपको नई भूमि खरीदने में लाभ है या हानि है, या अभी योग बन रहे हैं या नहीं बन रहे। क्योंकि अभी जो है आपका भूमि विवाद का जो योग बन रहा है उसके अंदर कहीं आपको परेशानी ना आ जाए, इसलिए हमने ये बात आपको कही है। तो दोस्तों जो लोग विदेश से संबंधित व्यापार कर रहे हैं उन्हें जो है विदेश से लाभ अवश्य होगा और विदेशी मित्रों का आपको सहयोग भी बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है। तो ये बात की हमने बिजनेस से संबंधित। अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य को लेकर। तो स्वास्थ्य जो है कुंभ राशि वालों का इस बार थोड़ा परेशानी देने वाला योग बना रहा है, विशेष करके जो बुजुर्ग हैं या जो 50 से ऊपर के लोग हैं उनको रीढ़ की हड्डी में परेशानी आने की संभावना है। हो सकता है कि आपका कोई पुराना रोग रीढ़ के से संबंधित दबा हुआ हो, अचानक वो उभर सकता है और आपको उससे परेशानी आ सकती है, तो आप उसका विशेष ध्यान रखें और समय समय पर जो है डॉक्टरी सलाह अवश्य लेते रहें। साथ में जो है आपको महिला वर्ग को इस बार जो है जोड़ों का दर्द और घुटनों का दर्द ये भी रहने की संभावना बन रही है, तो आप उसके लिए उचित सलाह लेते रहें डॉक्टर से। और विद्यार्थी वर्ग के लिए हम बताएं, इस बार अगर कोई विद्यार्थी नया वाहन खरीद रहा है अपने लिए तो थोड़ा उसे सावधानी से चलाएं, या अगर नया बच्चे के लिए कोई वाहन खरीद रहे हैं तो आप अवश्य उसकी कुंडली दिखाकर ही लें। कुंभ राशि वाले
ये कार्य करने से पहले एक बार ज्योतिषीय सलाह अवश्य ले लें। और साथ में विद्यार्थियों के लिए कंपटीशन के लिए जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय अच्छा है, आप थोड़ा पढ़ाई पर फोकस करें, आने वाले समय में आपको उससे लाभ मिलेगा। कोई नई योजना अगर आप बना रहे हैं, जैसे कि विदेश यात्रा के लिए आप इच्छुक हैं, चाहवान हैं, तो उन लोगों की ये योजनाएं अवश्य पूर्ण होने की संभावना बन रही है। साथ में हम आपको एक विशेष उपाय ये बताएं कि आपने जब भी किसी विशेष कार्य पर जाना है तो अपनी माता का आशीर्वाद अवश्य लेकर के जाएं, क्योंकि आप जब भी माता का आशीर्वाद लेते हैं तो हर कार्य में आ रही रुकावट आपकी ठीक होती है, क्योंकि जगत जननी का जब हम आशीर्वाद लेकर घर से निकलेंगे, हमारी माँ का आशीर्वाद लेकर निकलेंगे, तो कभी भी आपको ऐसी कोई परेशानी आ ही नहीं सकती। और साथ में जिन लोगों को संतान प्राप्ति में कोई बाधा आ रही थी, तो इस बार जो है उनको अच्छे समाचार मिलेंगे, उनको संतान से संबंधित जो सुख से संबंधित अगर किसी तरह की परेशानी आ भी रही है, तो उसके लिए मैंने एक विशेष उपाय इस बार आपको बताना है, वो अवश्य सुन लेना। साथ में जिन बच्चों के विवाह के योग बन रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम विवाह के लिए अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढने के लिए जो प्रयासरत हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। आप रिश्ता ढूंढें, आपका रिश्ता अवश्य ही सफल होगा, और साथ में विवाह के योग बहुत जल्द बनेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर इस बार प्रबल योग के अंदर ये होता है कि शादी से पहले रिश्ता जुड़ता है एक दिन में, और दूसरे ही दिन या तीसरे ही दिन आपकी शादी के योग बन जाते हैं, और विदेश में जाकर जो लोग शादी करना चाहते हैं उनके लिए तो ये समय बहुत ही उत्तम चल रहा है। अब से ये भी हम बता दें कि अगर विदेश यात्रा के लिए कोई हमसे इस बार कोई परेशानी आ रही है कुंभ राशि वालों को, तो हमसे संपर्क कर लें, हम आपको बहुत ही सरल उपाय बताएंगे और उससे आपको अवश्य ही फायदा होगा। तो प्रेम संबंधों से संबंधित अगर हम बात करें, तो जिन लोगों के प्रेम संबंध ऐसे चल रहे हैं कि काफी समय से बीच में रुक जाते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर बन जाते हैं, तो उन लोगों के लिए समय अच्छा है। आप बैठकर अपना जो है एक फैसला अवश्य ले लें, और अपनी पैतृक संपत्ति का लाभ आपको अवश्य होने वाला है। तो पैतृक संपत्ति जिन लोगों को मिलने वाली है, या जिनका जो कोर्ट परेशानी चल रही थी वो अब बाधाएं दूर होने वाली है, कोर्ट का केस भी अगर चल रहा है तो वो बाधा भी आपकी दूर हो जाएगी। अभी मैं आपको बताता हूँ विशेष उपाय। विशेष उपाय में आप सुनिए, सबसे पहले विद्यार्थियों के लिए जो लोग विदेश यात्रा जाना चाहते हैं या पढ़ाई के अंदर कंपटीशन के अंदर जाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए जो है एक उन्होंने अनार की कलम बनानी है, और माता सरस्वती को बुधवार वाले दिन आपने उसको अर्पित करके आना है। जहां माता सरस्वती का मंदिर हो वहां आप जाएं, घर से एक अनार की कलम लेकर के जाएं, उस पर हल्दी का या केसर का तिलक करें और माता को वो अर्पित करके आएं। तो आपको विद्यार्थी वर्ग को किसी भी तरह की पढ़ाई में समस्या आ रही है तो वो आपकी अवश्य दूर होगी। धन व्यापार के लिए आपको विशेष उपाय ये है कि तांबे के पात्र में अगर आप किसी तांबे का लोटा ले लीजिए या तांबे का गिलास ले लीजिए, उसके अंदर आप मूंग की दाल, हरे मूंग की साबुत दाल भर करके आपने मंदिर में देनी है बुधवार वाले दिन दुर्गा माता के। तो ये कार्य आप प्रथम माह के प्रथम बुधवार को करें और आपको पूरे माह इसका बेनिफिट होगा। अगर आप कुमकुम, केसर, थोड़े से चावल और जल के अंदर इसको मिक्स करके तांबे के पात्र के अंदर डाल करके आप किसी बरगद के पेड़ को अगर आप उसकी जड़ को सींचेंगे, तो महिलाओं को विशेषकर अगर कोई ग्रह क्लेश की परेशानी आ रही है या रोग से संबंधित परेशानी आ रही है, या कोई महिलाओं को और समस्या आ रही है, तो घर गृहस्थी के सुख के लिए, क्लेश को दूर करने के लिए, घर की समस्याओं को दूर करने के लिए, धन वृद्धि के लिए, सुख संपत्ति के लिए ये विशेष उपाय है। आप ये विशेष उपाय महिलाएं अवश्य करें और लाभ कमाएं। अगर इस बार हम आपके
शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक आपके 2 और 9 हैं। शुभ रंग आपके गाजरी, स्लेटी और आसमानी बन रहे हैं और शुभ दिशा आपकी उत्तर बन रही है और शुभ वार आपका मंगलवार बन रहा है। तो ये था मकर राशि का राशिफल। आप हमारा चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे दिए गए बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें ताकि आप तक हमारी अपडेट्स पहुंचती रहे। अगर हमारा चैनल अच्छा लगा हो, हमारे राशिफल आपको अच्छे लगे हो, तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। धन्यवाद। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों हम बात करेंगे कुंभ राशि 2017 मई माह का राशिफल। उससे पहले आप हमारे चैनल